मॉर्निंग। हम लोग तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन या जमनांक में जमनांक में अवनमन। तो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा था इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन लाइव क्लास स्टार्ट किए हैं उसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वाईफाई हो या फिर नेट। तो उसके लिए हम यहाँ भी थोड़ा, हमको भी सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ वाईफाई का एक टावर लगाने का सोचे हैं। तो आज कल में वो लग जाएगा, उसके बाद आप लोग को लाइव क्लास भी दिया जाएगा और मतलब आगे भी उस ऐसी सुविधा मिलती रहेगी, ठीक है? इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, लाइव क्लास का टाइम है 10 बजे से बिहार बोर्ड के लिए, 9 बजे से सीबीएसई बोर्ड के लिए। 10 बजे से जो टाइम है, 10 से 10:40 तक टाइम है, उसके लिए आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपके मोबाइल पे गया होगा। जिनको नहीं गया है वह ऑफिस में आकर के आप ले सकते हैं यूजर आईडी एंड पासवर्ड, या फिर व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं। फोन मत कीजिएगा, फोन करने से लाइव क्लास के टाइम में बहुत सारी परेशानी होती है। हम 2 दिन क्लास लिए, उसमें क्या था, किसी स्टूडेंट को कनेक्ट नहीं हो रहा है, हम भी उसी मोबाइल से लाइव रहते हैं। अब उस समय फोन कर देता है तो मेरा भी मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब डिस्कनेक्ट हो गया तो अगला स्टूडेंट जो देख रहा है उसको तो ये पता चलता नहीं है कि भाई क्यों डिस्कनेक्ट हुआ, उसको थोड़े मालूम है कि किसी का फोन आ गया उस पर, इसलिए टेक्निकली प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि 10 से 11 के बीच में आप फोन ना करेंगे और 9 से 10 के बीच में भी फोन ना करेंगे। इसके पहले या इसके बाद फोन कर सकते हैं, उस समय मोबाइल फ्री रहता है। क्योंकि हम 2-3 दिन में यह पाए हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को टेक्निकली कोई भी प्रॉब्लम हुआ, लॉगिन नहीं हो रहा है, या फिर उसको जूम ऐप नहीं खुल रहा है, या फिर उसको पिक्चर नहीं आ रहा है, या फिर साउंड नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली फोन कर देता है। और जो ही फोन किया बस डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अगले स्टूडेंट को लगता है कि भाई क्या हुआ, फोटो नहीं आ रहा है, फिर वो फोन करने लगता है कि सर कहाँ गायब हो गए। तो परेशानी होती है, परेशानी हमारे कारण नहीं होती है, परेशानी आप लोग के कारण होती है, इसमें थोड़ा केयर रहेंगे। और ऑनलाइन क्लास है तो स्वाभाविक है कि सब सेटअप बैठाने में भी समय लगता है। तो एकाएक अगर सोचिए कि 2 दिन में अप टू डेट हो जाएगा, तो ऐसा किसी भी सिस्टम, बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं वो भी 1 सप्ताह 10 दिन लाइव क्लास के लिए मतलब कि परेशान रहते ही हैं। तब जब टेक्निकली फिट हो जाता है तब जा करके सुचारू रूप से चलता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग को मैं बताता हूं कि सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में बताया था, आज थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट में अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट में कमी को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जमनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है। तो पहले हम लोग समझेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, क्या समझेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर था, फ्रीजिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है। फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो वैसे टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री सी है, तो 0 डिग्री सी पर
आइस का वेपर प्रेशर और वाटर का वेपर प्रेशर दोनों क्या है, इक्वल है, इक्विलिब्रियम में है, अतः हम कहेंगे उस टेम्परेचर को पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे तो करेंगे कि वह ताप जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब, वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के प्रेशर के बराबर हो जाए फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। वह ताप जिस पर किसी लिक्विड का वाष्प दाब सॉलिड के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, उस ताप को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट अगर समझ गए होंगे तो हमको यहां सीखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कहां से होगी। तो जैसे कि आप यह देखिए कि ये हम ले लेते हैं प्योर सॉल्वेंट, तो इसका अपना फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग TF0 कहेंगे। क्या कहेंगे, TF0। फिर हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सॉल्यूशन, यह सॉल्यूशन है, इसका भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, TF। यानी प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को TF0 और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को TF कहेंगे। अब जरा सोचिए कि पानी है और शरबत है, तो जल्दी जमेगा कौन, शरबत, यानी शरबत कम ही टेम्परेचर पे जम जाएगा क्योंकि उसमें चीनी सॉल्यूट है। चीनी सॉल्यूट अगर है तो स्वाभाविक है सॉल्वेंट के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उस स्पेस को वो भर देगा और भरने से वो जल्दी जम जाएगा और उस वह कम टेम्परेचर पे जम जाएगा। अगर ये 100 पर जमेगा तो ये 100 से कम पे जम जाएगा, अगर ये 10 पे जमेगा तो ये 10 से कम पे ही जम जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उपस्थित है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के उपस्थित होने के कारण इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। अगर ये 10 है, अगर ये 9 पर जमा तो कितना डिग्री से घट गया, 1 डिग्री से घट गया, वही 1 डिग्री कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हमेशा TF0 का मान बड़ा होगा किस चीज से, TF से, TF0 का मान बड़ा होगा किस चीज से, TF से। तो यह TF0 माइनस TF यही देता है ΔTF, जो ΔTF कहलाता है डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे कि किसी ऐसे प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट तथा सॉल्यूशन के
सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के बीच के अंतर को, बीच के अंतर को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, यानी डेल्टा टीएफ इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ, यानी प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट तथा सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखते हैं यहां पर एक है रॉल्स लॉ, क्या है एक रॉल्स लॉ, तो आप समझ गए होंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वह ताप है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट तथा सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के बीच जो अंतर है उस अंतर को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अब यहां हम लोग को सीखना है रॉल्स लॉ, कौन सा लॉ, रॉल्स लॉ। लॉ फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखेंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनुसार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मोलालिटी के सीधा समानुपाती होता है, मोलालिटी के सीधा समानुपाती होता है, यानी मोलालिटी, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा टी एफ सीधा समानुपाती होगा मोलालिटी एन के, या डेल्टा टी एफ इक्वल टू, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देंगे के एफ इंटू एम, जहां के एफ इक्वल टू मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, विच इज गिवेन बाई के एफ का वैल्यू निकालेंगे एम आर टी एफ स्क्वायर बाई 1000 डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन यानी इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यहाँ वैल्यू, वैसे आपको क्वेश्चन में के एफ का वैल्यू ऑलरेडी दिया रहेगा, लेकिन किसी किसी प्रॉब्लम में अगर के एफ का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है तो आप कैसे निकालेंगे एम आर टीएफ स्क्वायर, टीएफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है, ये क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है 1000 डेल्टा एच फ्यूजन, जहां डेल्टा एच फ्यूजन का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो ये आपको यहाँ पर एक और आप देख सकते हैं, इसको अगर आप डिटेल में अगर जाएंगे तो यहाँ पर डेल्टा टीएफ, इसको हम और भी ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी का क्या होता है एक्स इंटू 1000 बाई डब्लू इंटू एम।
यानी जहां x क्या है, सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का भार, w क्या है, सॉल्वेंट का भार, सॉल्वेंट का भार, और m क्या है, सॉल्यूट का अनुभार, सॉल्यूट का अनुभार, यानी इससे आप सॉल्यूट का भार, ये ग्राम में होना चाहिए, सॉल्यूट का भार किस चीज में, ग्राम में, सॉल्वेंट का भार भी किस चीज में, ग्राम में होना चाहिए। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से आप इसमें जो भी न्यूमेरिकल है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहली तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस पर आधारित प्रॉब्लम हम लोग अभी देखेंगे। चलिए हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे सो देखिए, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जैसे कि हम देख लेते हैं कि यह एक लाइन खींच दिया हमने, एक तरफ हम रख लेते हैं वेपर प्रेशर और एक तरफ रख लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप देखिए कि ये मान लेते हैं कि सॉलिड का फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट का लाइन है, सॉलिड का। अब प्योर सॉल्वेंट को यदि हम ठंडा करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से इसका टेम्परेचर घटते 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 और किसके वेपर प्रेशर को छू दिया, सॉलिड के वेपर प्रेशर को छू दिया। तो जिस टेम्परेचर पे छुआ उसी को हम लोग कहेंगे टी एफ नॉट, क्या कहेंगे, टी एफ नॉट। किसके लिए है ये, प्योर सॉल्वेंट के लिए, किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए। फिर सॉल्यूशन को ठंडा करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा और किसको छू देगा, सॉलिड के वेपर प्रेशर को। तो जिस टेम्परेचर पे छुएगा उसी को हम कहेंगे टीएफ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देखिए यह वैल्यू से यह वैल्यू छोटा है, अगर ये जीरो है, ये क्या है जीरो, तो 10, 20, 30, 40 इस तरह से, तो टी एफ नॉट से टी एफ क्या है, छोटा है, इसी दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा टी एफ, क्या कहेंगे, डेल्टा टी एफ, जो डेल्टा टी एफ कहलाता है डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट, क्या कहलाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को आप ग्राफ से ऐसे दिखा सकते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं, दो न्यूमेरिकल हमने वहाँ लिख दिया है इस डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पर आधारित, उस न्यूमेरिकल को हम लोग अब देखेंगे जो कैसे बनेगा। तो हम देखते हैं कैसे बनता है, तो अब देखिए यहां क्वेश्चन है कि प्योर नाइट्रोबेंजीन, शुद्ध नाइट्रोबेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट 278 केल्विन है, 278 केल्विन है। तो प्योर बेंजीन यानी क्वेश्चन नंबर एक का जो सॉल्यूशन होगा कि दिया हुआ क्या है, यानी प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि प्योर नाइट्रोबेंजीन का, यानी प्योर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टी एफ नॉट, टी एफ नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 278.8 केल्विन, ठीक है। अब कहता है कि जब एक अज्ञात पदार्थ के 2.5 ग्राम नाइट्रोबेंजीन के 100 ग्राम में घोले जाते हैं, यानी 2.5 ग्राम सॉल्यूट हुआ
आ 100 ग्राम सॉल्वेंट हुआ, तो सॉल्यूट को हम लोग क्या मानते हैं x, तो x कितना है 2.5 ग्राम, और w सॉल्वेंट को क्या मानते हैं w, यह कितना है 100 ग्राम है, कितना है 100 ग्राम। तो विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उसको हम लोग क्या मानते हैं TF, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाता है 276.8 केल्विन। यदि KF का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 केल्विन केजी पर मोल, तो अनुभार निकालिए यानी M का वैल्यू क्या होगा। तो अब हम लोग जानते हैं डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है TF नॉट माइनस TF, तो TF नॉट का वैल्यू कितना है 278.8 केल्विन माइनस TF की कितना है तो 276.8 केल्विन, यानी माइनस करेंगे तो कितना केल्विन निकल गया 2 केल्विन निकल गया, तो डेल्टा TF का वैल्यू आपका हो गया 2 केल्विन। अब आप देखिए कि डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल टू बताए हैं KF इंटू एक्स इंटू 1000 बाई W इंटू M, यानी डेल्टा TF का वैल्यू कितना निकाले 2 इक्वल टू KF का वैल्यू कितना है 8 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 1000 बाई W कितना है 100 इंटू M, ये निकल गया। यानी आप अगर इसको काटेंगे तो 20 से 20 कट गया, यानी इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, तो M इक्वल टू क्या होगा 8 × 25 बाई 2, इसको काट देंगे तो ये हो गया 4, यानी 25 फोरजा 25 फोरजा कितना 100 ग्राम पर मोल आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जिसको आप आसानी से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर से आप देख लीजिए इसको, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 1000 ग्राम नेपथैलीन में 25.6 ग्राम सल्फर घोलने पर, स्वाभाविक है नेपथैलीन 1000 ग्राम है यानी वो सॉल्वेंट है और 25.6 ग्राम वो सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना है W इक्वल टू 1000 ग्राम, सॉल्यूट कितना है तो 25.6 ग्राम। घोलने पर फ्रीजिंग पॉइंट में 0.68 डिग्री सी की कमी आती है, यानी डेल्टा TF का वैल्यू हो गया 0.68 डिग्री सी नहीं, तो कहता है कि सल्फर का अनुसूत्र ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए अनुसूत्र, और KF का वैल्यू क्या दिया हुआ है, KF का वैल्यू दिया हुआ है 6.8 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। अब अनुसूत्र निकालना है, तो अनुसूत्र निकालने के लिए हमको ज़रूरत है कि अनुभार पता हो, अनुभार अगर पता होगा उसको परमाणु भार से हम डिवाइड कर देंगे तो सूत्र निकल जाएगा, तो हम अनुभार निकालते हैं यानी कि M इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग जानते हैं फिर डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एक्स इंटू 1000 बाई
W into M. तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना है 0.68 इक्वल टू के एफ का वैल्यू कितना है 6.8 इंटू एक्स कितना है 25.6 इंटू 1000 अब आई W कितना है 1000 इंटू कितना M निकालना ही है तो अब 1000 से 1000 कट गया तो M इक्वल टू क्या आएगा M इक्वल टू आएगा 6.8 इंटू 25.6 बाई 0.68 यानी ये आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल। तो ये आपका M निकल गया, क्या निकल गया M। अब हम लोग को निकालना है, हम लोग जानते हैं सल्फर का परमाणु भार कितना होता है 32, कितना 32, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 32 सल्फर का परमाणु भार इंटू एक्स इसकी एटोमिसिटी इक्वल टू अनुभार हो जाएगा यानी अनुभार कितना 256, तो x इक्वल टू 256 बाई 32 यानी ये कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8, तो x इक्वल टू निकल गया 8, तो अनुसूत्र इक्वल टू s और सल्फर का क्या 8, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया समाप्त। इसको हम YouTube पर भी डालेंगे और आप लोगों के ऐप में एक होमवर्क होगा, आप लोग के ऐप में जाकर के आप देखेंगे तो स्टडी मटेरियल में होमवर्क या होमवर्क होगा उसमें इसका लिंक होगा। ऐप खोल करके आप प्रत्येक दिन आप 10 बजे एक लिंक खोलिए, ऐप खोलिएगा तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप अध्ययन कर सकते हैं इस वीडियो का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।